हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं किचन में बनाने जा रही हूँ दो टाइप का रेसिपी, एक मीठा और एक नमकीन। आशा है आप सभी लोग अच्छे हैं। सो आइए और देखिए। पहले मैं ब्रेड को इसी तरह सारी ओर काट लूँगी और मिठास के लिए बड़ा वाला और नमकीन के लिए छोटा वाला इसी तरह काट लूँगी। पहले मैं स्वीटेंड ब्रेड डिश भी बना लूँगी। सो एक के साथ शुगर और थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लूँगी और अच्छी तरह से फेंट लूँगी। इधर पैन में ब्रेड को धीमी फ्लेम में टोस्ट कर लूँगी। और मिक्सरों से ये पूरा डुबा कर डायरेक्ट से पैन में डाल दूंगी फ्राई करने के लिए। और ये तब तक फ्राई कर लूंगी जब तक इसे ब्राउन कलर ना आ जाते। ये लगभग मेरा स्वीटन ब्रेड एक रेसिपी बन चुका। अब मैं नमकीन के लिए दो अंडे लूंगी और अंडे के साथ धनिया, अनियन और चिली भी लूंगी और एक जार में ये ग्राइंड कर लूंगी और मिक्सरों को अंडे से मिक्स कर लूंगी। और इधर थोड़ा जीरा और चाट अनुसार नमक भी डाल लूंगी और अच्छी तरह से ये फेंट लूंगी। आप चाहे तो ये प्याज, धनिया और चिली को बारीक काट कर भी इधर दे सकते हैं, साथ में ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अब मैं इधर ब्रेड को चार साइज में काट लूंगी। दो तीन मिनट इसे टोस्ट कर लूंगी। ये पूरा रेसिपी धीमी फ्लेम में बनाना चाहिए। अब मैं पैन में ब्रेड को डाल लूंगी और मिक्सर को ऐसे तरह से डाल दूंगी। ये फास्टेस्ट और हेल्दी रेसिपी है, यानी कि ये बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं। अंडे के साथ ब्रेड ये तो ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आप चाहे तो शाम को चाय के साथ खा भी सकते हैं और टिफिन में भी ले जा सकते हैं। ये रेसिपी अच्छी तरह से देखने से पूरा रेसिपी ऐसे याद हो जाएगा। इधर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके रिफाइन डालना चाहिए, ज्यादा रिफाइन एक साथ नहीं डालना है। फ्राई होने के बाद इसे पैन में ही काट लेना चाहिए, इसे करने से ये अच्छा होते हैं। आपको रेसिपी अच्छी लगे है तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और घर में जरूर बनाकर खाइए। तब तक बाय बाय, टेक केयर।